हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रामबाबू पांचाल। यू आर वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पार्ट टू। नेक्स्ट स्टार्ट। इस वीडियो में हम जो हमारे नेचुरल वेजिटेशंस हैं और मैमल्स हैं, दैट मीन्स फ्लोरा एंड फौना के डेप्लेशंस के फैक्टर्स का आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इनटू ए रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमारे आसपास में यदि हम देखें तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि नेचर में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जिनका फॉर्म ट्रांसफर हो रहा है ना, और फॉरेस्ट से हमारी बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही हैं, या तो डायरेक्ट हो रही हैं या इनडायरेक्ट हो रही हैं। जैसे आपका वुड है, बाक्स है, लीव्स है, रबर्स है, मेडिसिन है, डाइस है, फूड, फ्यूल, वुडर, मैनर एसेट्रा। ये बहुत सारी हमारी रिक्वायरमेंट हैं और उन रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल डायरेक्टली नेचर से ही करते हैं ना। सो इट इज वी आवर सेल्फ हु हैव डिप्लीटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसलिए हमने स्वयं ही हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसका डेप्लेशन कर दिया है ना। यदि इसके रीजन देखा जाए तो फर्स्ट तो हो गया ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारी ये एक्टिविटीज़ हैं कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी नीड्स हैं, वो हमारी जो है हम एनवायरनमेंट से फुलफिल करते हैं, उनके कॉज के कारण ही हम लोग जो है एनवायरनमेंट का डिप्रेशन कर रहे हैं। ओके, द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल्स पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट फॉरेस्टिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। यदि हम इंडिया के एनवायरमेंटल बैलेंस को देखें कि इसको डैमेज किसने किया है, तो इसका जो मेन बेस है वो ब्रिटिश टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश टाइम पीरियड में की गई बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए एक ह्यूज रेस्पॉन्सिबल रीजन है। वो जो रीजन्स में ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ क्रिएट की गई, उसमें मेन है आपका रेलवे का एक्सपेंशन। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेलवे का एक्सपेंशन किया तो बहुत सारे वेजिटेशंस को कट किया गया है ना, जिसके कारण हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो इम्बैलेंस में ट्रांसफ़र हो गया। एग्रीकल्चर है ना, गवर्नमेंट या आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसीज बनाई गई कि उनको ऐसी उनकी जो डिमांड के अनुरूप ही उस क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता था, जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट भी इम्बैलेंस हुआ। कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्टी, ट्रीज को कट करने की प्रोसेस, कि ऐसे ट्रीज़ को कट किया गया जिनकी रिक्वायरमेंट या जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा थी, उनको कट करवाया गया। माइनिंग, बहुत सारे सोर्स को अचीव करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज थी वो भी इकोलॉजिकल इम्बेलेंस के लिए बहुत हद तक रेस्पॉन्सिबल थी। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये सब एक्टिविटीज़ कॉलोनियल्स पीरियड के टाइम पर ही नहीं थी, इंडिपेंडेंस के बाद भी ये कंटिन्यूस फ्लो में चलती रही। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यूसली टू बी वन ऑफ द मेजर कॉसेस ऑफ डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर लैंड का एक्सपेंशन करने के लिए हमने बहुत सारी ट्रीज को काटा गया, कट एंड बर्न की पॉलिसी अलाउ की गई, एग्रीकल्चर लैंड का एक्सपेंशन किया गया लार्ज स्केल पर, जिसके कारण
ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो उसमें कुछ नंबर, कुछ डेटा यहाँ पर शेयर किए गए हैं। बिटवीन 1951 एंड 1980 अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड ऑल ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में लगभग 1951 से और 1918 तक हमारा 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उस फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया है ना। सब्सटेनियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स रेस्पेक्टली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, और बेसिकली ये जो प्रोसेस की गई एग्रीकल्चर लैंड को एक्सप्रेस करते हुए वो सेंट्रल इंडिया में और जो हमारे ईस्टर्न पार्ट के जो नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट के जो स्टेट हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये प्रोसेस की गई। हैव बीन डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड बाय शिफ्टिंग कल्टिवेटिंग झूम ए टाइप ऑफ सेलेस एंड बर्न एग्रीकल्चर है ना। तो फॉरेस्ट के डिप्रेशन के लिए मेन जो है वो है आपकी झूम एग्रीकल्चर जो नॉर्थन स्टेट में की जाती है। तो झूम जो एग्रीकल्चर होती है उसमें क्या होता है फॉरेस्ट को कट एंड बर्न की पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। ओके अब यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आर कॉलोनियल्स फॉरेस्ट पॉलिसी टू बी ब्लेम्ड है ना। मतलब इंडिया में जितना भी इकोलॉजिकल इम्बेलेंस हुआ है इसके लिए क्या ये कॉलोनियल्स कंट्रीज के टाइम की जो है जो पॉलिसीज हैं या ब्रिटिश पॉलिसीज हैं वही सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं। तो इसके आंसर इसके सपोर्ट में कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। सम ऑफ अवर एनवायरनमेंट है ना, सम ऑफ अवर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज सेथ द प्रमोशन ऑफ ए फ्यू फेवर्ड स्पीसीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन कैरीड थ्रू द इरोनिकली टर्म्ड एनरिचमेंट प्लांटेशन इन विच ए सिंगल कमर्शियली वैल्यूबल स्पीसीज वाज एक्सटेंसिवली प्लांटेड एंड अदर स्पीसीज एलिमिनेटेड। फॉर इंस्टेंस टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज्ड द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अपने प्रॉफिट के पर्पज़ से उन्होंने ऐसे ट्री को प्लांट किया जो उनके लिए ज़्यादा वैल्यू रखते थे। इसका एग्जांपल है साउथ इंडिया में पाए जाने वाला टीक का जो प्लांट्स है ना, उन्होंने उसको सबसे ज़्यादा प्लांट किया। तो उसको सबसे ज़्यादा प्लांट करने का मतलब ये था कि उन्होंने इन्वायरमेंट को तो इनक्रीज किया, फॉरेस्ट एरिया को तो इनक्रीज किया, लेकिन उस जो पर्टिकुलर एरिया पर जहाँ पर ऑलरेडी पहले से कोई प्लांट थे पहले उनको कट किया, फिर उसी प्लेस पर उन्होंने जो है ओक चीर के जो प्लांट्स हैं उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र किया है ना, चीर पाए। प्लांटेशन इन द हिमालयाज है प्लेस्ड द हिमालयाज ओक एंड रोडेंड्रॉप्स फॉरेस्ट। ओके और ऐसे ही जो चीर के आपके जो प्लांट्स हैं वो हिमालयाज एरिया के पास में रिप्लांट किए गए और वहाँ पर जो ओक टाइप के ट्री प्लांट्स पहले से ही अवेलेबल थे उनको कट किया गया। ओके लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट सिंस 1950 ओवर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लीन फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। सेकेंड हमारा जो रीजन है वो है रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो ऐसे डेटा आपके पास शेयर किए गए कि 1951 में से लगभग हमारे 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एग्रीकल्चर लैंड थी या फॉरेस्ट लैंड थी उस एरिया को क्लीन करके वहाँ पर रिवर वैली सिस्टम स्टेबल किए गए जिसके कारण भी इकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट हुआ। ओके क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट स्टिल कंटिन्यूसली विथ प्रोजेक्ट लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश बिजबुट अनइंडेड 40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स या हो सॉरी हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट माइनिंग ए अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन।
उसी टाइप से मतलब रिवर वैली प्रोजेक्ट में जितने भी हमारे जो ऑप्शंस हैं या जो वर्क हैं उसमें नर्मदा सागर का जो अभी करंट में चल रहा है उसमें लगभग 40,000 हेक्टेयर जो हमारा लैंड्स है वो डिफेक्टेड हो चुका है ना, मतलब डिप्लीसेशन उसका हो चुका है। माइनिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। माइनिंग भी उसमें एक अलग फैक्टर है। द उसका एक एग्जांपल दिया है, द बक्सर टाइगर रिजर्व्स इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रीटेंड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। तो जो बक्सर आपका नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी है, वो आपका वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है और वहाँ का जो आसपास का एरिया है वहाँ पर डोलोमाइट माइनिंग का काम लार्ज स्केल पर किया जाता है जिसके कारण वहाँ पर उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इट हैज डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पेसीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट, है ना। तो ऐसे भी कई और रीजन है कि किसी एक पर्टिकुलर इस प्लेस से एग्री आपके जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल रीजन्स में जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको किसी अदर प्लांट पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं या हमारी एक्टिविटीज़ हैं ये इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के लिए बहुत बड़ा एक मेजर रोल क्रिएट करती है। ओके नेक्स्ट, मैनी फॉरेस्ट एंड environments hold the view that the greatest degrading factors behind the depletions of forest resources are grazing and fuel wood collections। तो बहुत सारी ऐसे जो हमारे इकोलॉजिस्ट हैं उनका ऐसा ओपिनियन है कि जो रिसोर्सेज का डिप्लेटेशन है उसमें ग्रेजिंग और फ्यूल का कलेक्शन के साथ साथ उनकी कटिंग भी एक मेन एक्टिविटीज़ है। ओके दे मे बी सम सब्सटेंस दो देयर मे बी सम सब्सटेंस इन देयर आर्ग्यूमेंट। उन्होंने अपने स्तर को प्रूफ करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ फैक्टर्स कुछ सोर्स दिए, डेटा दिए हैं। येट द फैक्ट रिमेंस दैट ए सब्सटेंस पार्ट ऑफ द फ्यूल फोडर डिमांड इज मेट बाय लूपिंग रादर देन द फॉलिंग इंटायर ट्री, है ना। तो उनके द्वारा जो वर्क किए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ट्री को एकदम से ही कट कर दें, तो हम उसमें लूपिंग प्रोसेस का भी यूज कर सकते हैं। लूपिंग प्रोसेस क्या होती है कि हम पूरे ट्री को ही कट ना करें, उसकी जो ब्रांचेस वगैरह होती हैं उसको ही कट कर दें और उससे हमारी जो नीड्स हैं हम उनको फुलफिल कर लें और हम जो है पूरे ट्री को कट ना करें। तो ये जो प्रोसेस होती है वो है लूपिंग प्रोसेस कहलाती है। येट द फैक्ट रिमेंस दैट ए सब्सटेंस पार्ट ऑफ द फ्यूल फॉर द डिमांड मेट बाय द लूपिंग रेदर देन द फैलिंग एंटिटीज। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर डिपॉजिटरीज ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट minerals and other resources that meet the demands of the rapidly expanding industrial urban economy, है ना। तो industrial urban economy की जो demand जैसे जैसे बढ़ती जा रही है और उसी के purpose से हम जो है environment का degradation कर रहे हैं, मतलब उनकी requirement ज़्यादा है। तो यदि हम इसको compare करें तो एक rural area के persons में और एक urban area के persons में हम देखें कि resource का सबसे ज़्यादा use कौन करता है, तो जो अर्बन एरिया के पर्सन्स होते हैं उनका जो क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स का नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। दिस प्रोटेक्टेड एरियाज दस मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल एंड देयर इन लाई द फर्टिल ग्राउंड टू कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर कुछ एक डाटा शेयर किया गया है, द हिमालयंस यव इंटरवल, है ना। तो हिमालयास एरियास में एक ट्री की वैरायटी है यव और वो अभी आपका ट्रबल में है, मतलब उसका एक्सटेंस हो चुका है हो रहा है। तो उसके एक्सटेंशन होने के मेन पर्पस क्या है, क्या वैल्यूएबल ट्रीज है या अनवैल्यूएबल है, तो
हम यहाँ पे देख लेते हैं। द हिमालया सेब इज ए मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ हिमालय हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो अरुणाचल स्टेट और हिमाचल स्टेट में जो मेडिकल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, वो आपका यव है और वो बहुत बड़े एक पार्ट में वहाँ पर फैला हुआ है, उसका एक्सटेंशन है। ए केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सॉल, है ना, टैक्सॉल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क नीडल्स ट्विंग्स एंड रूट्स ऑफ दिस ट्रीज एंड इट हैज सक्सेसफुली यूज टू ट्रीट सम कैंसर। द ड्रग्स इज नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग्स इन द वर्ल्ड, है ना। तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू होने का जो मेन रीजन है वो उसकी है रिक्वायरमेंट, क्योंकि उस ट्रीज के बार्क से, उसकी लीफ से, नीडल से, है ना, और रूट से कुछ केमिकल्स को अचीव किया जाता है और उस केमिकल का हम यूज कैंसर को कंट्रोल करने में करते हैं। इसलिए उसकी जो पूरे वर्ल्ड में डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम उस ट्री को लगातार ही कंटिन्यूसली उसकी कटिंग करते जा रहे हैं। द स्पीसीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू आवर एक्सपेंशन, और उसकी यही डिमांड, यही उसकी क्वालिटी उसके एक्सपेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल। इन द लास्ट वन डिकेट थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज हैव डाइड इन द वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। लास्ट 10 ईयर्स के में लगभग उन हिमालया से यप ट्रीज का जो कटिंग प्रोसेस है वो लार्ज स्केल पर की जा रही है। ओके, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लोटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स आर फैक्टर्स विच हैव लीड टू द डिक्लाइन इन इंडियन डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। अभी हमने जो रेस्पॉन्सिबल रीजन देखे उसमें एक तो हमारा ब्रिटिश कॉलोनाइज की पॉलिसीज थी, मेन तो वही थी, है ना। फिर बहुत सारे आपके रिवर्स प्रोजेक्ट प्लान थे और माइनिंग से रिलेटेड भी कुछ एक्टिविटीज़ थी। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्टेड कर रहे हैं। तो इसमें एक तो आपका हो गया हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब कोई यदि एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जहाँ पर उनका जो रेजिडेंशियल एरियाज है, हम फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं तो जिसके कारण उनका जो हैबिटल स्टेटस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, हंटिंग करने से भी हो रहा है। पोचिंग का मतलब होता है उनको इलीगल तरीके से सेलिंग कर देना, है ना, मतलब उनको या तो उनको सेल कर देना या उनकी हंट कर देना, पोचिंग मीन्स वही होता है इलीगल सेलिंग। ओके, ओवर एक्सप्लोटेशन, है ना, बहुत ज़्यादा उसका विस्तार, उसका यूज कर देना। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी उसके लिए एक रेस्पॉन्सिबल है। पॉइजनिंग है, तो बहुत सारे हम केमिकल को जो है स्प्रे कर देते हैं हमारी एग्रीकल्चर लैंड में, है ना, फर्टिल जो आपके क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, स्प्रे करते हैं, वो भी रेन वाटर के साथ फ्लो करते हुए, मूव करते हुए सी और ओशियन में चले जाते हैं, है ना, या आसपास के एरिया में एक्सपेंस कर देते हैं, पॉन्ड्स में चले जाते हैं, और उस वाटर का यूज मान लीजिए यदि आपके वाइल्ड लाइफ एनिमल करते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक रीजन है। अदर इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस आर अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजम्पशंस ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफरेंटियल शेयरिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग, है ना। अब इसका जो अदर रीजन्स है वो ये है कि हम इन्वायरमेंट, हमारी जितनी भी नीड्स हैं उसको हम फुलफिल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से करते हैं, नेचर से, है ना। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो ग्रोथ करती जा रही है, और हम उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी इन लार्ज स्केल पर रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण इसका रीजन क्या हो रहा है कि आपका इन्वायरमेंट क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। ओवर पॉपुलेशन इज द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन सिटीज एज द कॉजेस ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, है ना। थर्ड वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जितनी भी कंट्रीज हैं उसको इंडिकेट किया जाता है। हाउएवर एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूमर 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन द एवरेज सोमालियन, है ना, सोमालियन कंट्री आपकी वहीं पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो उसको कंपेयर किया गया, एक डेटा बताया गया है
कि एक अमेरिकन जो पीपल होता है वो 40% ज़्यादा एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पर्सन्स के से रिसोर्स का यूज़ करता है। तो इसका जो डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो ये है कि जितने भी जो रिच कंट्रीज़ के पीपल्स होते हैं या रिच पर्सन्स होते हैं वो पुअर पर्सन की के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा रिच पर्सन रिसोर्स का यूटिलाइज करते हैं, है ना। सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रोबेबली कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम देन द पुअरेस्ट 25%, है ना। तो इंडिया में भी देखा गया कि इंडिया में 5% रिचेस्ट पर्सन और पुअर का जो है 25%, ये दोनों ही इक्वल हैं रिसोर्स का कंज्यूम करने में। शेयर्स मिनिमम रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग द क्वेश्चन इज हु इज कंज्यूमिंग व्हाट फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच, है ना। तो और इसका जो रेस्पॉन्सिबल किसको मान लिया जाता है, जो पुअर लोग होते हैं ना उन लोगों पर पूरा ही क्लेम कर दिया जाता है कि जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल पर्सन ये पुअर लोग ही हैं। बाकी एक्चुअली में होता क्या है कि जो रिचेस्ट लोग होते हैं वही इनका सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और सबसे ज़्यादा ड्यूटी भी उन्हीं की है, है ना। लेकिन वो अपनी ड्यूटी को इग्नोर कर देते हैं और पूरा जो भी अपना जो ड्यूटीज है वो उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक डेटा यहाँ पर शेयर किया गया है, ये डेटा आपका डेटा जो है बाटर से रिलेटेड है। डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन, 1/3 ऑफ द वेटलैंड ड्रेन्ड आउट, है ना। तो इंडिया में लगभग 70% का जो हमारा वाटर है वो लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसमें 70%। अब डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये है कि वो जो हमारे फॉरेस्ट एरियाज हैं या हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उनको वो कवर कर दिया है। तो वहाँ पर हमारे जो है जो नेचुरल हैबिटल्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और इसमें जो है 40% ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट आर गॉन और लगभग 40% के जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो भी डिस्टर्ब हो चुके हैं। और इन सब डिस्टर्ब होने के बहुत सारे रीजन्स हैं, तो उसमें वो ये हंटिंग है आपका, पोचिंग है ये, और वाइल्ड में फॉरेस्ट फायर, बहुत सारे रेस्पॉन्सिबल रीजन्स हैं जिसके कारण हमारा इन्वायरमेंट जो है डिग्रेडेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल इशू, द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रॉन्गली correlated with the loss of cultural marginalized and impoverished many communities. यानी जो आपके फॉरेस्ट हैं, है ना, और वाइल्ड लाइफ हैं, इन लोगों का जो डिप्लेशन हो रहा है उसके लिए मात्र हम बायोलॉजिकल टॉपिक पर डिस्कस करें ये ठीक नहीं है। बायोलॉजिकल जो रिसोर्स होते हैं या एनवायरमेंटल रिसोर्स हैं इनके डिफ्लेशंस में का जो रिलेशंस है वो कल्चरल एक्टिविटीज से ही जुड़ा हुआ है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हु डायरेक्टली डिपेंड द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर फूड ड्रिंक मेडिसिन कल्चर स्पिरिचुअली एसेट्रा। हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट जो हैं जिसको हम एनवायरनमेंट से फुलफ़िल करते हैं और उन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के कारण हमारी जो एनवायरनमेंट टेस्ट एनवायरनमेंट की जो का डिप्लेशन हो रहा है ना। विथिन द पुअर वुमेन एंड द अफेक्टेड मोर देन मैन, विथिन द पुअर वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन। तो जो पुअर वुमेन्स होती हैं वो मैन की अकॉर्डिंग ज़्यादा अफेक्टेड हैं एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन से। In many societies, women bear the major responsibility of collect of fuels, fodder, water and other basic substance needs. तो वुमेंस क्या करती हैं, फॉरेस्ट एरिया में जाती हैं और अपनी रिक्वायरमेंट की बेसिक थिंग्स को कलेक्ट करती हैं। अब चूंकि क्या होता है कि आपके फॉरेस्ट की तो कटिंग है तो उनको बहुत सारी एक डिस्टेंस को
तय करना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि जब वो जंगलों में जाती हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए थिंग्स को कलेक्ट करती हैं, तो वो अपना काफ़ी सारा जो टाइम होती है जिनको जो घर पे एक्सपेंड करना चाहिए वो एट होम पर तो एक्सपेंड नहीं कर पाती, और उनकी पूरा ही जो टाइम होता है वो अदर एक्टिविटीज़ में निकल जाता है, तो वह घर पर ध्यान नहीं दे पाती। एज दीज रिसोर्सेज आर एडेप्टेड द ड्रगजरी ऑफ वुमेन इंक्रीज द समटाइम्स दे हैव टू वॉक टू मोर देन 10 kilometers टू कलेक्ट दीज रिसोर्सेज। दिस कॉज सीरियसली हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर वुमेन एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रंस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज हावर्स ऑफ वर्क, है ना, विच आफ्टर हैज सीरियस सोशल इम्प्लीकेशंस। द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सब्स ड्रॉट और डिफॉरेस्टन इंक्लूडेड फ्लड्स एसेट्रा आल्सो हिट्स द पुअर एंड हार्वेस्ट हार्डेस्ट पॉवर्टी इन दीज केसेस इन द डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। देयरफॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट। तो इन सब प्रोसेस के कारण जो हमारे ट्राइबल जो जातियाँ हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं हो रही हैं, क्योंकि उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो किस पर डिपेंड है, आपकी नेचुरल रिसोर्स पर, फॉरेस्ट पर, और फॉरेस्ट को हम कट रहे हैं, कट करते जा रहे हैं। तो उनको एक तो बहुत ज़्यादा वर्किंग करना पड़ती है, अपने घर पर ही वो टाइम नहीं दे पाते हैं, और जैसे वो पुअर थे तो पुअर ही बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा वर्क करने के कारण उनके हेल्थ पर भी अपोजिट इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। सब कॉन्टिनेंट इट इज़ द इम्परेटिव टू एडाप्ट द साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेज। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इकोलॉजिकल क्राइसिस को कम करने के लिए हमें इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए। ओके, आवर टॉपिक इज कम्प्लीट। आई होप यू हैव बीन अंडरस्टूड क्लियरली। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।